दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा लंबा, बहुत ही वाइल्ड व्लॉग रहेगा। भारतीय रेलवे ने हम कुछ लड़कों को चुनकर भेजा था एक मिशन पर। हमको एक इंजन दे दिया गया था और बोले थे कि हमारी लॉबी के कुछ लड़के एक जगह पर अटक गए जहां से वापसी की ना कोई ट्रेन है, ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है, ना ही उनसे बात हो पा रही है। हम लोगों के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां थी, घनी बारिश थी, बहुत ही खतरनाक जंगल थे। जहां पर हम पहुंचे वहां पर बिल्कुल भूतिया रनिंग रूम था, दूर दूर तक कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमने उन लड़कों को ढूंढा और किस तरह से ढूंढा, रास्ते में ऐसी ऐसी जगह पड़ी, कई जगह हमको भागना पड़ा, कई जगह हमें खड़े होकर इंजन के बाहर पहरेदारी करनी पड़ी कि कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। रास्ते में नदियां काले पानी की इस तरह की थी कि जैसे कि एनाकोंडा की मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई हो। घने जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था और उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था मौसम। अगर रास्ते में हमारा इंजन खराब हो जाता या फिर कोई पावर ब्रेक डाउन हो जाता, कोई तार टूट जाता, तो हमें ही पता हम किस तरह से आ पाते। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों ये हमारे दोनों डॉगीज और देखो माँ बेटी का प्यार, एक दूसरे को ऐसी चाटती रहती है। और हमें भेजा जा रहा रेलवे द्वारा एक मिशन पर, और मिशन पर जाने से पहले क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ, मुंह मीठा कर ही जाना चाहिए। और ये हमारे घर के बाहर से जेड प्लस सिक्योरिटी रखता है, तो इसको भी कुछ देके जाता हूँ। अब निकलते हैं। और भाई लोग रात को हम निकल रहे हैं ड्यूटी पर, रात के इस समय लगभग 8 बज रहे हैं और पूरी रात हमारा काम हो जाएगा, मतलब ड्यूटी जो है वो लगभग रात भर की होगी। और देखो एक दोस्त तो मुझे मिल चुका है, हम 5-6 लड़के जा रहे हैं, एक साथ भेजा जा रहा है हमको। ये इंजन हमको भारतीय रेल ने दिया है, ये डीजल इंजन है। इसकी खास बात क्या है, हमें क्यों दिया गया, इलेक्ट्रिक भी दे सकते थे। अब इसमें क्या है, इसमें ऊपर बिजली के तारों की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो अपने डीजल से चलता है। अब मान लीजिए हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वहां पर कोई तार खराब हो जाए, कोई टूट जाए और बिजली चली जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम उस पर निर्भर ही नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, अपना तेल फुल करके लाए हैं और हम जा रहे हैं। इस समय सभी लोग हम लोग खड़े हुए हैं, भरा हुआ है पूरा इंजन और बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। और हमारा कुछ काम नहीं है, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट अपनी इस ट्रेन को चला रहे हैं, हम बाकी लड़के सिर्फ इसमें बैठ कर जा रहे हैं। और हमारे इंजन को रोक दिया गया, अब जा रहे हैं हम इसको चलवाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। और जहाँ पर हमको पहुँचना है वो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अभी हमने स्टेशन मास्टर से तो पूछी, तो स्टेशन मास्टर बोले सामने से गाड़ी पास करा रहे हैं, उसके बाद आपको चलाया जाएगा, तब तक हम पानी भर लेते हैं, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। हमें पानी मिले, खाना मिले, कुछ मिले ना मिले, तो अभी से ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों हमें साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपनी पूरी तैयारी करके जाओ, किसी पर डिपेंड मत रहो, वहाँ पर जाओ, पहुँचो, उन लड़कों को ढूंढो जिनको वापस लाना है और वापस आओ, भले ही कैसा ही मौसम हो। इस समय भी हल्की हल्की बारिश है और ये पैसेंजर ट्रेन को वापस कर दिया, मतलब पास करा दिया गया है। अब ये जाएगी तब हमारा इंजन आगे बढ़ेगा। अब ये निकल चुकी है तो हम भी अपने इंजन की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, जिससे कि हम अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचें। जल्दी से बंद करते हैं गेट और अपने सिग्नल का जल्दी से इंतज़ार करते हैं। ट्रेन हमारी चल चुकी है और रात देखिए बिल्कुल घनी रात है, और इस समय हम जंगल के बीच से गुजर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश बीच बीच में आ जा रही है। हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चल रहे थे, जिससे कि अगर कोई बड़ा जानवर आ जाता है बीच में तो हम समय से अपने इंजन को रोक सकें। इस समय हम लोग किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। फिर से हमें एक स्टेशन पर रोक दिया गया। अब चलता हूँ और स्टेशन मास्टर से बात करके आते हैं और पूछते हैं कि भैया क्यों रोक लिए, चलाओ इसको जल्दी से जल्दी। और दोस्तों हमें इस साइड का कुछ ज़्यादा आता पता नहीं है, हम लोग इधर नहीं आते अपनी ट्रेनों को लेकर। और यहाँ कर सुनसान स्टेशनों को तो देखिए, पूरे पूरे स्टेशनों पर एक आदमी नहीं दिख रहा है। अब स्टेशन मास्टर का जो रूम है ना वो भी बंद पड़ा हुआ है, मतलब कि दरवाज़ा बंद था, तो आपको कोई भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अगर आप किसी परेशानी में फंस जाओ तो भैया आप ही मालिक हो अपने, किस तरह से आपको बचना है आप ही देखो। रात के इस समय 11 बज रहे हैं, यहाँ पर 3 कुत्ते जेड प्लस सिक्योरिटी में लगे हुए हैं स्टेशन मास्टर की, इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा। और दोस्तों आप में से जितने भी लोग लोको पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप नेचर को एंजॉय करते हैं तो ये नौकरी आपके लिए मस्त है, आप कभी बोर नहीं होंगे। इस सुनसान स्टेशन पर अगर आपको घूमने में मज़े आते हैं, रात में बरसात के मौसम में अगर आपको घूमने में मज़े आते हैं, तो भाई साहब मज़े ही मज़े हैं आपकी इस नौकरी में। हर नौकरी में कोई ना कोई परेशानी रहती है, आप बहुत आसान सी नौकरी भी मुझे ढूंढ के बता दो कि ये नौकरी आसान है, जब आप उसको करेंगे तो उसमें भी आपको 4 परेशानी निकल जाएंगी। बाहर एक भी आदमी नहीं दिखा। अब चलते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में और बात करते हैं। और स्टेशन मास्टर ने कहा है कि आगे कोई दिक्कत हो गई, सिग्नल फेल हो गया है, इस वजह से आपको दूसरी चीज़ें दी जाएंगी जिससे कि आप सिग्नल को पार कर पाएँ। मतलब रेड सिग्नल को वैसे तो क्रॉस किया नहीं जाता है, परंतु हमें रेड सिग्नल क्रॉस कराया जाएगा क्योंकि सिग्नल ख़राब है। अब भाई सिग्नल ख़राब हो गया, मान लीजिए उसकी ग्रीन बत्ती फूक गई, वो नहीं चल रही है ना, मान लो उसकी जो लाइट है ग्रीन बत्ती वाली वो फ्यूज़ हो गई। अब ये तो है नहीं कि सारी गाड़ियां रुक जाएंगी उस
बल्ब के फ्यूज़ होने पर। तो ऐसे केस में जब कभी इस तरह की कुछ दिक्कत आ जाती है तो दूसरे तरीकों से ट्रेन को चलवाया जाता है। और ये देखिए रेड सिग्नल को हम लोग बहुत संभल संभल के पार कर रहे हैं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की परमिशन ली जाती है, रेलवे कंट्रोल बोर्ड से पूछ लिया जाता है कि भैया ये सही चलवा रहे हैं कि नहीं चलवा रहे हैं, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, रास्ते में कुछ ब्लॉक तो नहीं है, पता चले रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी खड़ी हो। और हम चल के आ गए देखो दूसरे स्टेशन पर भी, यहाँ पर भी हमको रोक रहे हैं यार। हमको जितनी जल्दी है हमारे कंट्रोल बोर्ड ने, भाई अलग अलग रेलवेज़ होती हैं, हमारे कंट्रोल बोर्ड ने यानी हमारी रेलवेज़ ने हमको बोला कि अपने बंदों को लेकर आओ एज सून एज पॉसिबल, और यहाँ पर हमें देर हुई पड़ी है। राहुल को SSC एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेस्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कॉन्स्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेस्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेस्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। ये देखिए पुल से निकलते हुए बहुत संभल कर, क्योंकि यहाँ पर हमको बताया गया है कि जंगली जानवर हो सकते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा खूब घना जंगल था, और जिस स्टेशन पर इस समय हम रुके हुए हैं, इस स्टेशन की गिनती बहुत ही खतरनाक स्टेशनों में आती है। हमने एक दो लोगों से पहले ही पूछा हुआ था, मतलब उन्होंने बताया था कि अगर आप उस स्टेशन पर रुके तो बहुत संभल के जाना, अकेले बाहर मत जाना, किसी ना किसी को संग लेकर ही जाना। अभी देखो बाहर हल्की हल्की रोशनी आने लगी है, यानी कि पूरी रात लगभग हमारी निकल चुकी है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां हमें पहुंचना था। सुबह के 5 से 6 के बीच में बज रहे हैं। हम सारे लड़के पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से हमको जो लड़के हमको वापस ले जाने हैं उनको ढूंढना है। दोस्तों यहां बिल्कुल शांति है, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ पेड़ है, बारिश का पानी भरा हुआ है, इसके अलावा खूब सारे कीड़े हैं। यहाँ हम रनिंग रूम में पहुंच चुके हैं और गेट में कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीड़े उड़ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा सीन है जैसे कोई सुनसान हॉस्पिटल होता है या स्कूल होता है और हॉरर वाली मूवी हो। देखो एक बंदर तो दिखा है, एक बंदर है, वरना पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत है, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कोई है। और भूल भुलैया जैसी है, एक कमरे में घुसते हैं तो 4 रास्ते निकल आते हैं। चलिए ढूंढते हैं अगर कोई यहाँ पर आदमी दिखता है तो भूत ना हो। बस ये देखिए बिल्कुल पुराने ज़माने की भूल भुलैया है वो, तो हम 5-6 लड़के हैं, अकेला लड़का होता तो यहाँ तक घुसने की भी हिम्मत नहीं करता। कमरा खोल के देखते हैं कोई दिख जाए, यहाँ पर सिर्फ चादरें पड़ी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर जो केयर टेकर थे वो मिल गए हैं और उन्होंने हम लोगों को रूम दे दिया। मुझे जो रूम मिला है उसमें 2 लोग पहले से ही सो रहे हैं। इस समय आप टाइम देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सभी लोग सोए पड़े हैं, बिल्कुल शांति है। और हम लोग अपने कपड़े चेंज करके आ गए हैं मसाजर वाली मशीन में। हो सकता है आगे हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़े उन लड़कों को ढूंढने के लिए, अभी भी पैर दर्द कर रहे हैं क्योंकि हम एक इंजन में 7-8 लड़के थे और खड़े खड़े आए थे तो हमारे पैर बहुत ज़्यादा दुख गए हैं। इन पैरों को कुछ आराम दिया जाए, उसके बाद इनसे मेहनत ली जाए। चलिए ढूंढते हैं अपने साथ वालों को कि कहाँ रह गए हैं, आखिर यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, मोबाइलों में सिग्नल ही नहीं है बहुत सी जगहों पर, पता नहीं कैसे यहाँ पर लोग रहते होंगे जो भी रहते हैं। और पूरी बिल्डिंग में एक आधा आदमी है वरना कुछ है ही नहीं, जो रूम है वो खाली पड़े हुए हैं, इसके अलावा सब कुछ शांत है मामला। कुछ रूम में ताला लगा हुआ है, अंदर पता नहीं कौन सी चुड़ैल बंद है, और बाहर का रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप ही इसमें खो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए सुबह इस रूम में आए थे और इस रूम का जो रहस्य है वो पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर इस रूम में रहता कौन है। सब कुछ एक्टिवेट है यानी चालू है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यूज़ करते होंगे पर है ही नहीं कोई इस कमरे में। चलिए अब चलते हैं बाहर को ज़रा नज़र मारने, पूरी जगहों को देखते हैं और देखते हैं कहीं कोई छुपने की जगह तो नहीं जहाँ हमारे साथी लोग छुपे बैठे हों। दोस्तों वैसे यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी अच्छी जगह है कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो कहोगे यार यहीं बस जाते हैं, कुछ दिनों की ट्रिप यहीं पर मना लेते हैं। हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथियों के बाहर आने का, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग आए हैं और सुबह बहुत तेज़ नींद आ रही थी, रात भर के जगे हुए थे, तो हमारे साथी अंदर से तैयार वगैरह होकर आ रहे हैं। फिर निकलते हैं बाज़ार में ढूंढने, बाकी चीज़ों का पता करने कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। आप बस इमेजिन करके देखोगे कितनी नेचुरल और अच्छी जगह है। फिलहाल हम चल दिए हैं, ये देखो बॉडी बन चुकी है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर जंगलों के बीच में ही हम लोग यहाँ पर हैं बसे हुए, मतलब जहाँ पर हम आए हैं ये जगह जंगलों के बीच में बसी हुई है। हम सभी लड़के जितने भी थे साथ के सब निकल गए हैं बाज़ार की तरफ। बिल्कुल वैसा मौसम है, वैसा मार्केट है जैसा आप कभी पहाड़ों पर जाएँ और वहाँ पर मिलता है। पहाड़ों पर मैं कई बार गया हूँ और वहाँ पर इसी तरह के मार्केट, हल्के फुल्के मार्केट होते हैं। फिलहाल
कुछ नहीं था तो सभी लोगों ने एक कप चाय पी ली, सोचा कि जो अपना मिशन स्टार्ट करना है वो चाय के बाद करेंगे। और अभी यहाँ पर कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ से सब्जी वगैरह लेंगे जिस और सामान लेंगे अपने, दाल चावल आटा सारी चीज़ें लेंगे और अपने रनिंग रूम में ले जाएंगे और वहाँ किचन वाले को देंगे, जो कि हमारे लिए फिर वो बना देगा। भारतीय रेलवे में जो वहाँ पर आप ट्रेन लेकर जाते हैं जिसको रनिंग रूम बोलते हैं, तो कुछ जगहों पर तो फैसिलिटी होती है और मतलब बना बनाया खाना मिलता है, जैसे कि किसी मैस में मिलता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। पर ऐसी जगह जहाँ कम लोग आते जाते हैं वहाँ पर अपना खाना बनवाना पड़ता है। ये देखिए मैंने एक चॉकलेट भी खरीद डाली लोको पायलट के पैसों की, वो तो खैर सब में बट जाएंगे। और अब सारा सामान हम लोगों ने ले लिया, अब चलते हैं वापस खाने के जुगाड़ में। घर से कल रात को हम निकले थे, सुबह यहाँ पर पहुँचे, थोड़ा बहुत सोए और अब चल दिए हैं। अब खाना बनने दे देंगे और उसके बाद तब तक नहा धो लेंगे। आप यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है कि बहुत से लोग अपना फार्म हाउस बनाते हैं शांति के लिए, कहाँ कहाँ पहाड़ों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। जो भी रेलवे लवर्स हैं, लोको पायलट बनना है जिनको, उनके लिए तो जन्नत है ये जगह। चलिए अब हमने खाना बनना दे दिया, अब अपना ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं और फिर तैयार होते हैं। अभी देखेंगे कि हमें वापस कब जाना है। जो हमारे साथ के लड़के थे वो तो हमको मिल गए हैं यहाँ पर, उनको हमने बता दिया है कि भाई हम तुम्हें लेने आ गए हैं और अब यहाँ से चलना है। दोस्तों अपने डिवीज़न के जिन लड़कों को हमें लेकर जाना था और उनमें से एक दिख गया बाहर घूमते हुए, बहुत देर से मिल नहीं रहा था और रेलवे कंट्रोल बोर्ड ने हमको खुली छूट दे रखी है। बोले भले ही इनको पीट पीट कर लाना पड़े पर इनको घर लेकर जरूर आना। अब इनको ले जाते हैं क्योंकि खाना बन चुका है और अब बैठ कर खाना खाएंगे और इनको खिलाने के बाद सीधे इनको इंजन में बिठा कर सीधे ले जाएंगे वापस अपने घर को। फिलहाल अभी मैं इनको मारते मारते ले जा रहा हूँ वापस खाने की प्लेट पर। ये हमने बनवाई थी भिंडी की सब्जी और दाल, भिंडी मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ तो अभी किसी ना किसी को दे दूँगा अपने साथ वाले को कि भाई तू खा ले यार, है ना। और ये हम लोग हो चुके हैं तैयार, पेट पूजा हो चुकी है और हम लोग निकलेंगे अब सीधे वापसी के लिए। ये हो गए दर्शन अपने शीशे में देखकर बढ़िया तो लगता है, चेक हो जाती है अपनी पूरी ड्रेस। जाने से पहले पानी का कर लेते हैं जुगाड़, क्या पता भाई कहीं मिले ना। हम सब लोगों की अटेंडेंस लेंगे यानी कि गिनती करेंगे, कहीं कोई यार हमारा साथी छूट ना जाए वापस, क्योंकि अब हम फाइनली यहाँ से निकलेंगे सीधे अपने घर के लिए। और ये इंजन इसी चीज़ के लिए आया था स्पेशली। अबे टंकी बंद क्यों नहीं हो रही, सही से बंद ही नहीं हो रही, एक बार में इसको सही से बंद करना पड़ेगा। हाँ तो अब हम सब लोग निकलेंगे एक साथ मिलजुल कर इस अपने इस इंजन में। खाना हम खा चुके हैं, 4-5 घंटे की नींद भी हम ले चुके हैं, इस समय दोपहर हो रही है और जहाँ तक उम्मीद है कि रात के 12 बजे से पहले पहले हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। चलिए भागते हैं अपने इंजन में घुसते हैं, जरा हाथ गंदे हो गए, पहले हाथ धो लेते हैं थोड़े से। और मौसम हो रहा है बारिश का, धूप तो निकली नहीं है, आपको देखने में भले ही लग रहा हो सुबह हो रही है पर धूप नहीं निकली है। इस समय दोपहर हो रही है, दोपहर के बाद का सीन है ये, और हाल ये है कि उमस बहुत ज़्यादा है। चलिए अब इंजन पर चलते हैं, अपने इंजन को हमारे जो साथी लेकर आए थे इस इंजन को उन्होंने रेडी कर लिया है, हम तो बस लॉन्डो को एक साथ इकट्ठा करके ले जाने के लिए आए थे। और कई सारे लड़के हैं, काफ़ी सारे लोग हैं और देखिए लगभग पूरा इंजन भरा हुआ है। दोस्तों दो स्टेशन क्या चले फिर से हमें रोक दिया गया, अब जरा इस स्टेशन का मुआयना कर लेते हैं। स्टेशन की दीवार के पार जंगल ही जंगल, जैसे साउथ इंडिया में घने जंगल होते हैं ना, बस इधर से शेर ना निकल जाए, साउथ इंडिया के गुंडे ना निकल जाएँ, है ना। अब स्टेशन मास्टर के रूम के सामने ही हमने इसीलिए अपने इंजन को रोका है, जिससे कोई बात पूछनी हो हेल्प लेनी हो तो रुक तो जाएं। फिलहाल मैं स्टेशन मास्टर के पास से घूम के आ रहा हूँ, मैंने पूछा कि बाहर कुछ मार्केट वगैरह है, तो बोले नाम मात्र की एक आध दुकान होंगी वरना यहाँ पर कुछ नहीं है भैया। तो एक गाड़ी को पास करा दिया गया है, इसके बाद हमारा इंजन चलेगा। तो गाड़ी पास हो रही है, हम बैठ जाते हैं अपने इंजन के अंदर। दोस्तों बारिश के चक्कर में बहुत ही खतरनाक सीन है, जो नदियां हैं पूरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है और बड़ा ही डर लगता है, पर भरोसा रहता है रेलवे पे। ऐसा समझिए जब आप पुल से गुजरते हैं सबसे आगे बैठकर इंजन के अंदर, तो आप पूरी तरह से 100% निश्चिंत होकर रेलवे के ऊपर गुजरते हैं, है ना, वरना तो आपको डर ही लगता रहेगा। फिलहाल आप जंगल के मज़े लीजिए, इस जंगल के क्या नज़ारे हैं। जितना ये घना है अगर आप इसमें फंस जाएँ तो उतना ही ये खतरनाक भी है। अभी हम इंजन के अंदर हैं तो कोई डर नहीं है, यही हम डर रहे थे मान लीजिए हम बिजली वाला इंजन लेके आते हैं और यहाँ पर जो ऊपर बिजली वाले तार हैं उस पर कोई पेड़ वगैरह गिर जाता आंधी तूफान में या किसी जंगली जानवर की वजह से, तो हम सभी लोग फंस जाएंगे। फिलहाल जंगल में देखिए जानवर वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पर भालू भी हैं, शेर भी हैं, चीते भी हैं, देखिए मोर दिखा है, हिरन भी हैं, लंगूर भी हैं, बंदर भी हैं, सारे जानवर हैं यहाँ पर। बड़ा ही खतरनाक जंगल, ये साउथ इंडिया जैसा बिल्कुल जंगल है। और हम लोग इस समय बाहर खड़े हो गए हैं कई लोग, जिससे कि कोई जानवर देख लिया जाए तो देख लें भैया, या फिर कोई हम पर हमला ना कर दे। फिलहाल हम लोग को दिखा था
हिरन का झुंड। ये देखिए हिरन बहुत सारे घूम रहे हैं, और हिरन अगर आसपास है तो शेर या चीता भी आसपास हो सकता है। रिस्क तो है हमें, और इसकी वजह से हम लोग अब अंदर चलेंगे, इंजन के अंदर ही बैठेंगे या फिर गेट के बिल्कुल पास बैठेंगे। हालांकि जो हम लोग को उम्मीद है वो ये है कि इंजन की आवाज़ सुनकर जंगली जानवर दूर ही भाग जाते हैं, पास में नहीं आते हैं। चलिए फिर भी हम लोग अपनी सेफ्टी को बरकरार रखते हुए अंदर ही चलते हैं। नज़ारे वैसे दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, जब तक आप ऐसी जगहों पर फंसो ना तब तक आपको इस तरह के सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे और जानवर देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल हम अपने इंजन को बहुत धीमा धीमा ले जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं छोटे मोटे जानवर हमारे इंजन के सामने आ जा रहे हैं, और बड़ा भी आ सकता है, तो सेफ्टी के लिए हम स्लो चल रहे हैं। दोस्तों कल से अब तक पहला स्टेशन मिला है जहां पर कुछ लोग हमें दिखे, वरना सारे सुनसान थे। और यहां पर हम लोग निकल गए हैं चाय और समोसे लेने, क्योंकि यहां पर वो मिलते हैं और बताया गया है बहुत अच्छे मिलते हैं। पर स्टेशन मास्टर ने कहा जल्दी लेके आ जाना, क्योंकि सिग्नल आपके ट्रेन का बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और इनको चाय लेके भेज देते हैं। दोस्तों चटनी रह गई थी और दोने रह गए थे, तो मैंने उनके चक्कर में चटनी और दोने लेने के चक्कर में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था, और ट्रेन का सिग्नल हो गया था, और इस चक्कर में लोको पायलट थे, उन्होंने हॉर्न मार दिया और मैं समझ गया कि भाई साहब हमारा सिग्नल हो गया, जिस चक्कर में मैं भाग भाग के जा रहा हूँ। इसी चक्कर में मैं कहता रहता हूँ आपको, किसी भी जॉब में फिजिकली फिट अगर आप होंगे तो आप उस जॉब को, उस हर मौसम को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, और अगर आप अनहेल्दी होंगे, अनफिट होंगे, तो आप परेशान रहेंगे और चोटिल होने का डर रहेगा। और ये नौकरी पता क्यों खतरनाक है, ये देखिए जरा इतने बड़े बड़े तो यहाँ पर कीड़े हैं, और ये तो एक बहुत ही मामूली से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर कीड़ों की भरमार है। सांप, बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो ये जूते पहन के आया था ना, बारिश के चक्कर में पहन के तो आ गया था, पर ये सेफ नहीं है ऐसे मौसम के लिए या ऐसी जगहों के लिए। जंगलों के बीच हम खड़े हुए हैं फिलहाल, अभी हम बाहर खड़े हुए हैं और अपने इंजन की सुरक्षा करते हुए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जानवर वैसे भी इंजन की आवाज़ से भागते ही हैं। हम लोग खाली यहाँ पर व्यू का इंजॉय ले रहे हैं। कई दिनों बाद आज हल्की धूप निकली है, थोड़ा सा मौसम यहाँ पर साफ हुआ है, तो हमने सोची जंगल के क्यों ना मज़े ले लिए जाए। फिलहाल आप लोग जाते होंगे मेलों में और ऊंचे ऊंचे झूले झूलने, और हम क्या करते हैं जब भी पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, ट्रेन के गेट पर खड़े हो जाते हैं, और सेम वैसी ही फीलिंग आती है जैसे झूले पर ऊपर जाने पर आती है। वो पैरों में अजीब सा लगता है ना, सेम वैसा ही लगता है। आप जरा सीन देखिए कितना खतरनाक सीन है। और हमें बताया गया था इस नदी में बहुत बड़े बड़े सांप हैं, अजगर सांप वगैरह भी हैं, यहाँ पर नीचे जाना सख्त मना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर पूरे रास्ते हम बहुत ज़्यादा स्लो अपने इंजन को ले जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, जानवरों की सेफ्टी के लिए और अपने इंजन की भी सेफ्टी के लिए। फिलहाल ये देखिए आपको हिरन दिखेंगे और उनके सींग भी दिखेंगे, पता नहीं 12 सींग या हिरन है, दिख गए वही बड़ी बात है हमारे लिए। इस चक्कर में हम बाहर खड़े हुए हैं सीना तान के अपना, और मज़े ले रहे हैं अपने इस ड्यूटी का। और दोस्तों आप में से भी जितने लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी निकली हैं उतनी वैकेंसी में लगभग 75% पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 75% के आसपास रहेगी। और अभी NTPC और JEE जैसी वैकेंसी तो आनी बाकी हैं। हमारा इंजन फिर से स्लो हो गया, यानी कि फिर से एक स्टेशन पर हम रुकने वाले हैं। चलिए अभी फ़िलहाल स्टेशन मास्टर से पूछते हैं, और उन्होंने बताया है कि थोड़ी देर लगेगी आपको चलने में, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है और बाहर से कुछ खाने पीने का देख लेते हैं। हमें ज़्यादा भूख, आप सोचोगे कितना भुक्कड़ है, तो हम 8-10 लोग हैं, तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ खाने पीने का चलता ही रहता है। फिलहाल हम यहाँ के एक छोटे से बाज़ार में निकल आए हैं, और यहाँ से हमने ले ली है ये कुल्फ़ी, बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी नमकीन ले ली है। अब जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शाम ढलती जा रही है। इस समय मौसम बिल्कुल सुहावना है, जो सूर्य है वो ढल रहा है, और सूर्यास्त का ये समय है, सूर्यास्त हो चुका है, और बादल इस समय हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। पीछे की तरफ थोड़ी गर्मी लग रही है, और बारिश के बाद आती है समस्या कीड़ों की। इस समय कीड़े इतने उड़ रहे होते हैं लाइट में, अगर आप खिड़की या गेट खोलेंगे तो अंदर आ जाते हैं, खूब सारे आए पड़े हैं। ये देखिए एक स्टेशन पर फिर से स्लो हो रही है हमारी गाड़ी, देखते हैं यहाँ पर कितनी देर रुकती है। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वीडियो देखते हैं, जो कि दिन की ड्यूटी करते हैं, दिन से मतलब एक फिक्स शेड्यूल वाली ड्यूटी करते हैं। बहुत से हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ में अच्छी जॉब करते हैं, जिनके अच्छे पैकेज होते हैं, वो लोग देखते हैं कि अरे यार इसकी कितनी मेहनत की और लेबर टाइप की ड्यूटी है, 10-10, 12-12 घंटे की हमारी ड्यूटी हो जाती है, और हम लोगों को खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही हो जाती है, कि जैसे कि हम जल्दी घर आ जाएं। वो लोग कहते होंगे वाकई में कि अरे यार इससे अच्छा तो हमारी प्राइवेट जॉब है, बिल्कुल अच्छी जॉब है, पर जिस समय हमारी सरकारी लगी थी उस समय प्राइवेट जॉब उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, उस समय यही था कि सरकारी नौकरी लग जाए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमारे शहर की तरफ, मतलब हम अपने शहर के एरिया में लगभग घुस चुके हैं, और बरसात की ज़रा स्पीड देखिए, फुल स्पीड में
बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। कमी है तो सिर्फ ओलों की, और ओलों से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। हालांकि ओले पड़ नहीं रहे हैं, परंतु बारिश पड़ने में कोई कसर नहीं है, और हर मौसम के मजे लेने चाहिए। दोस्तों, इस स्टेशन पर भी हम रुक गए हैं और मैं आ गया हूँ स्टेशन मास्टर को बताने कि भाई साहब हमारी ड्यूटी काफ़ी लंबी हो चुकी है, रेलवे कंट्रोल बोर्ड यानी RCB को बता दो कि हमारे इंजन को या तो चलवा लें वरना हम लोग इसको यहीं पर स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूटी करना किसी के भी हित में नहीं है, ना ही लोको पायलट के हित में होता है और ना ही वो भारतीय रेलवे के, क्योंकि इससे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग अपने स्टेशन से एक स्टेशन पहले पहुंच गए और अब हम सोच रहे हैं कि अपने स्टेशन तक पैदल ही पैदल पहुंच लिया जाए, क्योंकि हमारा इंजन यहाँ पर स्विच ऑफ हो चुका है और अपने घर तक जाने की कोई सवारी नहीं बची। दोस्तों, साइन ऑफ कर दिया था और अब अपनी गाड़ी उठाकर हम जा रहे हैं अपने घर को। रात के बज रहे हैं, करीब 12-1 बज रहे हैं और बिल्कुल बारिश थोड़ी सी स्लो हो गई है, अच्छा रहा। वैसे तो हमने रेनकोट पहना हुआ है, पर तेज़ बारिश होती तो दिक्कत होती। हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं वाकई में, क्योंकि आपके सामने कल भी पूरी रात की ड्यूटी हो गई थी और आज भी लगभग आधी रात निकल गई। देखो, हमारे जो दोनों डॉगी हैं वो सोए पड़े हैं बिल्कुल घरीन में, ले उठ ही नहीं रही है। इसको पता है भैया, ये पता नहीं हमने रखवाली के लिए इनको रखा है या हमें उल्टा इनकी रखवाली करनी पड़ती है। ले अब ये दोनों उठी हैं, अब दोनों को एक चक्कर लगा देता हूँ बाहर और अब सोते हैं। ज़्यादा नहीं, वैसे अभी तक 12 के आसपास ही बजे हैं और ये भाई साहब देखो मेरा इंतज़ार देख रहे थे, क्योंकि इसको सोना है मेरे कमरे में। अभी थोड़ी देर ये चलाएगा मेरा मोबाइल और उसके बाद मेरे कमरे में सोना है इसको, इस चक्कर में ही सोया नहीं था। देखो 12:15 इस समय बज चुके हैं और अब हम दोनों लेटेंगे, सोएंगे। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए और अपनी नौकरी लीजिए और आगे की ज़िंदगी में मज़े कीजिए। फिलहाल ये चल रहा हमारा सुबह का खाना, हम भी इंजॉय करते हैं, अब आप भी इंजॉय करिए। सभी भाइयों को टाटा बाय बाय, राम राम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। राहुल को SSC एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेस्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कॉन्स्टेबल एग्जाम में आ गए। पर रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेस्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेस्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास।